आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 2 का नाम है एस्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल, सेक्शन 7, एस्टैब्लिशमेंट एंड पावर्स देयर ऑफ। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा होल स्टेट में या फिर स्टेट के कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में क्लोज ए ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, जिसको एक्साइज कमिश्नर बोला जाएगा, और वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होंगे और वो एक्साइज डिपार्टमेंट को हेड करेंगे, और वो कलेक्शन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, मतलब जो जो अल्कोहल या लीकर सेल करने से जो स्टेट की इनकम होती है उसके कलेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लॉज बी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर के अलावा किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जो कलेक्टर की सारी या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को या तो कॉन्करेंटली, मतलब कलेक्टर के साथ साथ, या फिर सबॉर्डिनेटली, मतलब कलेक्टर के अंडर और एक्सक्लूजन, मतलब कलेक्टर से सेपरेटली जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी उन पावर्स को परफॉर्म करें और जो अथॉरिटीज़ उनको दी गई हैं उनका इस्तेमाल करें। क्लोज सी, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी और उनका डिवीज़न होगा क्लासेस के बेसिस पे, और उनको अलग अलग डेजिग्नेशंस, पावर और ड्यूटीज स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। क्लोज डी में दिया गया है कि जो अथॉरिटीज़ और पावर एक ऑफिसर को दी गई हैं अंडर क्लोज सी, वो ऑफिसर या तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है या फिर कोई एनी अदर पर्सन जिसको गवर्नमेंट टीम टू फिट मानती हैं उनको वह पोजीशन दे सकते हैं। क्लोज ई में लिखा हुआ है कि चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या एक्साइज कमिश्नर सारे या फिर कुछ पावर्स एक्सेप्ट द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 62, मतलब जो सेक्शन 62 के अंडर पावर दी गई है जो रूल बनाने से रिलेटेड है, उसके अलावा चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या एक्साइज कमिश्नर को सारी पावर दी जा सकती हैं। क्लोज एफ में दिया गया है कि किसी भी ऑफिसर या पर्सन को उसकी सारी या फिर कुछ पावर्स से उनसे वापस ली जा सकती हैं, विड्रॉ की जा सकती हैं। क्लोज जी में दिया गया हुआ है कि चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी एक डेलीगेशन बना सकते हैं और उनके साथ साथ एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर भी ये ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, और वे डेलीगेशन से किसी और पर्सन या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को पावर कन्फर कर सकते हैं जो उनकी जो ड्यूटी है उससे रिलेटेड होती है, और वो उस पावर से उन जो पर्सन अपॉइंटेड है उनको भी वो डिस्चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। सेक्शन 7A है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड, इसके अंदर दिया गया हुआ है सब सेक्शन 1 के अंदर के स्टेट गवर्नमेंट फ्लाइंग स्क्वाड्स की एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, और उनकी ये ड्यूटी होगी कि अगर उनको किसी ऐसे केस का पता चलता है जिनमें उन्हें शक हो कि जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो वे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और जो फ्लाइंग स्क्वाड अथॉरिटीज और जो पावर्स वो एक्वायर करेंगी वो सारी उन्हीं वे ही होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें देगी, मतलब उनसे अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें पावर्स देगी उससे आउट ऑफ देयर पावर दे कैन नॉट गो एंड डू एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनी थिंग अहेड और बियॉन्ड दैट लिमिट। सब सेक्शन 2 में दिया गया हुआ है कि फ्लाइंग स्क्वाड जो एस्टेब्लिश की गई है सब सेक्शन 1 के अंडर, वो एक एक्साइज ऑफिसर और अदर पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट को फिट लगते हैं उस पोजीशन के लिए वो उसमें कंसिस्ट करेंगे। सब सेक्शन 3 में दिया गया हुआ है कि एक्साइज ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन जो फ्लाइंग स्क्वाड में अपॉइंटेड है वो ही ड्यूटीज़ और अथॉरिटीज एक्वायर करेंगे जो उन्हें अंडर सेक्शन 7 दी गई हैं। चैप्टर 3, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट्स, सेक्शन 8, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा, ये फॉलोइंग तीन जो हैं क्लॉजेस इन ये सेक्शन 8 से रिलेट करते हैं। एंटायर स्टेट के अंदर वो
या फिर किसी स्पेसिफाइड एरिया के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब आयात और निर्यात किसी इंटॉक्सिकेंट का प्रोहिबिट कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। क्लॉज बी में दिया गया हुआ है कि वो स्टेट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट किसी भी इंटॉक्सिकेंट का वन प्लेस टू अनदर रोक सकते हैं बाय प्रोहिबिटिंग द ट्रांसपोर्ट। क्लॉज सी में दिया गया हुआ है कि जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं जैसे महुआ या फिर कोई और बेस, जनरली जो छत्तीसगढ़ या फिर किसी भी लोकल किसी भी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उनके इफेक्टिव कंट्रोल मतलब उनको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजंस बना सकती हैं। सेक्शन 9 रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना कोई भी इंटॉक्सिकेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं होगा एक्सेप्ट, अब ये दो फॉलोइंग एक्सेप्शंस हैं, अगर कोई भी जो ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स जो भी किसी पर्सन का बनता है अगर वो उसको पे कर देते हैं या फिर वो किसी बॉन्ड का एग्जीक्यूशन कर देते हैं उस पेमेंट के लिए, तो वे इससे एग्जेम्प्टेड हैं। और जो क्लोज बी है उसमें लिखा गया हुआ है कि अगर कोई और कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करता है और उनको आप कंप्लाई करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करते हो तो आप वो उससे उसमें भी एग्जेम्प्टेड हो। सेक्शन 10 रिक्वायरमेंट फॉर पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। सेक्शन 10 में दिया गया है रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। इसमें लिखा गया है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट उस क्वांटिटी से एक्सीड नहीं करेगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है, या तो जनरली मतलब जनरल फॉर ऑल द टाइम एंड ऑल द एरिया, और स्पेसिफाइड एरिया मतलब कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ सर्टेन एरियाज के लिए, वो उससे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। और उसके लिए भी एक्सेप्शन ये है कि अगर एक पास इशूड है या फिर ऐसा डीम टू बी इशूड, मतलब उनके एक्शन से ऐसा पता चल रहा है कि इससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वह भी एक एक्सेप्शन मानी जाएगी। सेक्शन 11 कहता है पासिस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, मतलब पासिस कैसे बनवाए जा सकते हैं या फिर पासिस का क्या रोल है। तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो और ट्रांसपोर्ट जो ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स सिर्फ मतलब कलेक्टर उनको प्रोवाइड करवा सकता है, और जो किसी भी सर्टेन इंटॉक्सिकेंट के लिए पास बनाने की परमिशन है वो एक्साइज कमिश्नर टाइम टू टाइम डिटरमाइन करते हैं, मतलब वो एनालिसिस करके समय के साथ जो उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि ये इससे कोई स्टेट के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी तो वे उस इंटॉक्सिकेंट का मतलब पास बनाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन असल में ग्रांट कलेक्टर करता है, लेकिन यह डिसीजन के कौन से इंटॉक्सिकेंट को पास दिया जाएगा कौन से को नहीं यह एक्साइज कमिश्नर डिसाइड करते हैं। सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि ये जो पासिस बनाए जाते हैं ये या तो जनरल हो सकते हैं किसी डिफाइंड पीरियड के लिए, और इनका जो काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट मतलब किस टाइप का इंटॉक्सिकेंट है, और मतलब या फिर वो स्पेशल हो सकते हैं मतलब कुछ स्पेशल इंटॉक्सिकेंट के लिए या फिर कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और स्पेसिफाइड ओकेजन मतलब किसी स्पेशल ओकेजन के लिए जैसे किसी कल्चर या फिर किसी और इवेंट में अगर आपको इंटॉक्सिकेंट चाहिए और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो वो स्पेसिफाइड ओकेजन में आएगा। एंड पर्टिकुलर कंसाइनमेंट्स ओनली, मतलब कुछ सर्टेन ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये कह दे कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ या फिर जो वो उन प्रिस्क्राइब करें किसी भी इवेंट या फिर किसी भी फंक्शन के लिए, तो वो भी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट्स ओनली के अंडर वो आ जाएगा। सेक्शन 12 में आता है पास इज इशूड बाय अदर अथॉरिटीज मे बी डीम्ड पासिस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। एक्साइज कमिश्नर जो होते हैं वो जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के तहत ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई पास और किसी अथॉरिटी के द्वारा ग्रांटेड है ऑल ओवर इंडिया, तो वे अगर वे चाहते हैं तो वो किसी कंडीशन को इम्पोज करके या फिर बिना किसी कंडीशन को इम्पोज करे भी वो ये ग्रांट कर सकते हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया का पास, जो ऑल ओवर इंडिया नहीं मतलब किसी भी अदर अथॉरिटी के द्वारा दिया गया पास छत्तीसगढ़ में वैलिड माना जाएगा। चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर पोजेशन एंड सेल।
13th सेक्शन है ये, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एटसेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। क्लोज ए, नो इंटॉक्सिकेंट शैल, मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेंट बनाया या कलेक्ट किया नहीं जाएगा। क्लोज बी कहता है हेम्प प्लांट कल्टीवेट नहीं किया जाएगा। हेम्प प्लांट एक कोई प्लांट होता है जिससे इंटॉक्सिकेंट प्रोड्यूस होते हैं। क्लोज सी कहता है कि कोई भी टारी प्रोड्यूसिंग ट्री होगा वो ना तो ग्रो किया जाएगा और ना ही उसके जो इंटॉक्सिकेंट प्रोड्यूसिंग फल या फिर पत्ते होते हैं वो तोड़े नहीं जाएंगे। क्लोज डी कहता है कि कोई भी लीकर बॉटल्ड, मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर डाल के फॉर सेल नहीं दी जाएगी। क्लोज ई कहता है कि कोई भी डिस्टलर या ब्रूरी जो अल्कोहल या लीकर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब उनका प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चर करना, तो वो भी कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाएंगे। क्लोज एफ कहता है कि कोई भी पर्सन अपने पोजेशन में ऐसा कोई भी मटेरियल या फिर औजार नहीं रख सकता जो इंटॉक्सिकेंट के मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है, एक्सेप्ट तारी के जो मटेरियल यूज होता है। और ये जो इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि अथॉरिटी और सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, मतलब अगर आपके पास लाइसेंस है और अगर आपके पास अथॉरिटी है वो कैरी करने की या फिर मतलब वो मटेरियल रखने की, तो आप उसको रख सकते हैं। फर्दर क्लोज एफ में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट फर्दर ऐसे नोटिफिकेशंस बना सकती है जिसमें वे या तो कुछ स्पेसिफाइड एरियाज के लिए तारी प्रोड्यूसिंग ट्रीज जो होते हैं उनकी टैपिंग को अलाउ कर दे, या फिर उनके जो इंटॉक्सिकेंट प्रोड्यूसिंग पार्ट्स हैं उनको तोड़ने के लिए भी परमिशन दे दे। और जो सेकेंड एक और पॉइंट जो क्लोज एफ में है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा यह प्रोविज़न भी बना सकती है कि होम कंजम्पशन, मतलब खुद के लिए कंजम्पशन के लिए मैन्युफैक्चर करना लीकर को इलीगल नहीं है। सेक्शन 14 कहता है एस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज और वेयर हाउस। अब ये कह रहा है कि एक्साइज कमिश्नर ये फॉलोइंग पांच क्लोजेस सेक्शन 14 के अंदर हैं। क्लोज ए कहता है कि एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है कि वो डिस्टिलरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिस डिस्टिलरी जिसके अंदर स्पिरिट बनाया जाता है उसके लिए लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं सेक्शन 13 के अंडर। और वो जो लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कंडीशंस इम्पोज हैं उनके कंप्लाइंस में होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लाइंस में होना चाहिए। क्लोज बी कहता है कि ऐसी किसी भी डिस्टिलरी को जो एक्साइज कमिश्नर मतलब मानते हैं कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए, उनको वो रोक भी सकते हैं। क्लोज सी कहता है कि लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोज की गई कंडीशंस हैं उनको जो प्रोजेक्ट्स कंप्लाई करते हैं उनके लिए एक्साइज कमिश्नर लाइसेंस दे सकते हैं किसी भी डिस्टिलरी या ब्रूरी की कंस्ट्रक्शन या फिर वर्किंग के लिए। क्लोज डी कहता है कि एक्साइज कमिश्नर किसी वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पे लीकर या फिर इंटॉक्सिकेंट स्टोर होते हैं उसकी एस्टेब्लिशमेंट या उसको लाइसेंस भी दे सकते हैं, और उसके जो वेयर हाउस बनाया जाता है उसको जो एक्साइज ड्यूटी होती है उससे भी एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो एग्जेम्पशन होगी वो तभी होगी जब जो सर्टेन जो अमाउंट ऑफ फीस जो स्टेट गवर्नमेंट जो डायरेक्ट करती हैं उसकी उसके कंप्लाइंस में होगी। क्लोज ई कहता है कि डिसकंटिन्यू एनी सच वेयर हाउस, मतलब अगर वो चाहें तो वो ऐसे किसी भी वेयर हाउस को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं जो उन्हें फिट लगता है। सेक्शन 15, पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन रिमूवल ऑफ डिस्टिलरी ब्रूरी और प्लेस ऑफ स्टोरेज। स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना कोई भी इंटॉक्सिकेंट किसी भी डिस्टिलरी ब्रूरी या वेयर हाउस में से रिमूव नहीं किया जाएगा, और वो रिमूव सिर्फ तभी किया जाएगा जब अगर उसकी कोई ड्यूटी पेबल है, मतलब अगर कुछ अमाउंट ऑफ मनी पेबल है चैप्टर 5 के अंडर वो पे किया जा चुका है या फिर किसी बॉन्ड के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जा चुका है। सेक्शन 16, पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली। क्लो सब सेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा सर्टेन लिमिट ऑफ क्वांटिटी के, भाई कितने अमाउंट तक या कितनी क्वांटिटी तक आप इंटॉक्सिकेंट रख सकते हो वो डिस्क्राइब कर सकती हैं, और वो जो
लिमिट है वो डिफर कर सकती है डिफरेंट क्वालिटीज़ के लिए। मतलब अगर सेम आर्टिकल है, जैसे कोई एक सर्टेन क्वालिटी एक सर्टेन कोई वाइन है जो मान लो, और वो अगर अच्छी क्वालिटी की है तो उसकी पोजेशन की लिमिट डिफर कर सकती है एक लोअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो सेम वाइन से है, जो सेम वाइन का है। सब सेक्शन टू में कहा गया है कि किसी भी पर्सन के पास जितनी क्वांटिटी डिफाइंड है इंटॉक्सिकेंट की उससे ज़्यादा नहीं होगी, और ये इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको अथॉरिटी और टर्म्स एंड कंडीशन से आप कंप्लाई कर रहे हो तो आप इसे एक्सेसिव भी रख सकते हो। अब वो जो फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो फॉलोइंग हैं। क्लोज ए, अगर आपके पास लाइसेंस है मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, कलेक्शन, सेल और सप्लाई करने का उस इंटॉक्सिकेंट का। क्लोज बी, अगर आपके पास इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करने का पास है। क्लोज सी, अगर आप परमिटेड हो इस एक्ट के अंडर। सब सेक्शन थ्री, सब सेक्शन टू अप्लाई नहीं होगा फॉरेन लीकर पे जो पोजेशन में होगा किसी कॉमन कैरियर के या फिर किसी वेयर हाउस मैन के। जो क्लॉज बी था वो ओमिटेड है। सब सेक्शन फोर जो है उसमें ये लिखा गया है कि इसके सारे एक्ट के साथ ना खड़े होते हुए अगर जो दिए गए सब सेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी करती है जो प्रोहिबिट करता है पोजेशन, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन जारी करती है कि पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन, वो पर्टिकुलर या फिर कोई भी इंटॉक्सिकेंट नहीं रख सकते, या तो वह पूरे स्टेट में या फिर चाहे वो किसी स्पेसिफाइड एरियाज में, या तो एब्सोल्यूटली मतलब वो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, या फिर कुछ सर्टेन कंडीशंस पे वह कुछ क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट रख सकते हैं। सेक्शन 17, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। कोई भी इंटॉक्सिकेंट बेचा नहीं जाएगा जब तक उसके अथॉरिटी और सब्जेक्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस से कंप्लाई करते हुए उनको लाइसेंस ग्रांटेड ना हो। एक पर्सन के पास अगर तारी ट्री से किसी भी वो जो इंटॉक्सिकेंट प्रोड्यूसिंग पार्ट है उसको ड्रॉ करने का राइट है, मतलब उससे तोड़ के लेने का, अपने पास रखने का राइट है, तो वह बिना लाइसेंस के भी एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर या सेलर को तारी बेच सकता है। सेम पॉइंट है क्लॉज बी के अंडर, उसमें लिखा गया है कि अगर किसी पर्सन के पास सेक्शन 13 के अंडर हेम्प प्लांट कल्टीवेट करने का लाइसेंस, लाइसेंस नहीं मतलब सेल करने की मतलब राइट है, तो वो बिना लाइसेंस के भी किसी भी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर या सेलर को सेम चीज़ बेच सकता है। क्लोज सी के अंदर दिया गया है कि इस सेक्शन का कोई भी पार्ट अप्लाई नहीं होगा अगर किसी ऐसे पर्सन ने जो कि पहले किसी पोजीशन पर था लेकिन अब वह जो किसी ऐसी पोजीशन पर था जहाँ पर उन्हें अथॉरिटी थी एक्साइज से रिलेटेड कोई भी वर्क करने की, और उनके पास अथॉरिटी थी फॉरेन लीकर लॉफुली रखने की, या फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर उसको प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वे इस सेक्शन वह उन पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सब सेक्शन टू के अंडर कहा गया है कि अगर एक्साइज कमिश्नर को लगता है कि वो एक किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक्साइज लॉ के अंडर ग्रांटेड लाइसेंस, किसी भी पर्सन या कंपनी को अगर कोई लाइसेंस ग्रांटेड है किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, और वे मानते हैं कि इस एक्साइज लॉ के अंडर जो परमिशन ग्रांटेड है वह छत्तीसगढ़ के अंदर भी अप्लाई की जा सकती है, तो वे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब उनको इस एक्साइज लॉ के अंडर भी लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा, मतलब अपने आप ही हो जाएगा अगर एक्साइज कमिश्नर ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं तो। सेक्शन 18 के अंदर है पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर एटसेट्रा। इसमें सब सेक्शन 1 में कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को ठेके पे दे सकती है कुछ सर्टेन कंडीशंस पे और कुछ पीरियड के लिए जो उनको ठीक लगता है। क्या क्या दे सकती है?
क्लोज ए में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सप्लाई होलसेल के द्वारा या फिर दोनों, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों। क्लोज बी में लिखा गया है कि सेलिंग बाय होलसेल, मतलब होलसेल से बेचने का या फिर रिटेल से बेचने का भी दे सकते हैं। क्लोज सी के अंडर दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ बाय होलसेल, मतलब मैन्युफैक्चर या सप्लाई करना होलसेल के द्वारा या फिर दोनों, और रिटेल के द्वारा सेल करना किसी भी लीकर या इंटॉक्सिकेंट ड्रग को कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड एरिया के अंडर। सेक्शन सब सेक्शन टू में लिखा गया है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है सेक्शन सब सेक्शन वन के अंडर, वो लाइसेंस ग्रांट करती है किसी भी ठेकेदार को, तो वे अगर उस जो उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करा है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वह सबलेट नहीं कर सकते, मतलब वे सबलेट कर सकते हैं ऐसा, इस मतलब सबलेट करने में उनको कोई लीगल ऑब्स्टेकल नहीं फेस करनी पड़ेगी, तो वे फर्दर किसी भी को सबलेसी बना सकते हैं, मतलब ठेकेदार अंदर अपने, मतलब ठेकेदार किसी और को आगे ठेके पे भी दे सकता है। 18 सेक्शन 18 ए में दिया गया है एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर सेल एटसेट्रा में बी ग्रांटेड। इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में कि उसका स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। सब सेक्शन वन के अंडर दिया गया है कि ऊपर लिखे हुए सारे बातों से अलग खड़ा होते हुए स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, मतलब स्पेशल प्रिविलेज दे सकता है इस जो छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसको जो कंप्लीटली ओन्ड है और कंट्रोल्ड है बाय स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग के लिए, बेशक रिटेल से चाहे बेशक होलसेल से। और वो जो स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दी गई है वो इंडियन, मतलब जो इंडिया में बनी गई फॉरेन लीकर है उसको विद इन द स्टेट बेचने के लिए। सब सेक्शन टू कहता है कि एक्साइज कमिश्नर जो रूल्स बनाए गए हैं उनको अबाइड करते हुए लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अफोरसेड पर्पस, मतलब जो ऊपर दिए गए पर्पस है उसके लिए। सब सेक्शन थ्री कहता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ये ऐसे लाइसेंस को ग्रांट किए जाने के बाद ब्रांचेज और डिपोज खोल सकते हैं स्टेट के अंदर ऐसी जगहों पे, और वो जो ब्रांचेज और डिपोज खोलेंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट के कंडीशंस से कंप्लाई करने चाहिए। सेक्शन 19 कहता है लेसीज परमिशन टू ड्रॉ तारी। इसमें कहा गया है कि किसी भी तारी मैन्युफैक्चरर के पास जिसको ठेके पे दिया गया है सेक्शन 18 के अंडर, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिटर्न परमिशन दे सकती है। जो ठेकेदार है तारी मैन्युफैक्चर करने का, या मतलब वो उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो तारी ड्रॉ भी कर सकता है, मतलब तारी ट्री से मतलब तोड़ भी सकता है, और उसके पास सेम फोर्स और इफेक्ट होगी जो एक लाइसेंस्ड पर्सन है, जो कलेक्टर से उसको लाइसेंस मिला हुआ है। तो जो मैन्युफैक्चरर है तारी का उसको स्टेट गवर्नमेंट ऐसी एक रिटर्न परमिशन दे सकती है जिसके द्वारा वह तारी ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें सेम फोर्स और इफेक्ट मिलेगी जो एक लाइसेंस्ड पर्सन को मिलती है कलेक्टर के द्वारा। सेक्शन 22 में कहा गया है कि मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ लिकर इन मिलिट्री कैंट, तो मतलब जो कैंट का एरिया होता है या फिर जो टोटल जो डिस्टेंस जो कैंट के अराउंड होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्राइब करता है कि भाई इतना एरिया कैंट का है, उसके अंदर रिटेल सेल के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट अगर नॉलेज और कंसेंट है उस कैंट के कमांडिंग ऑफिसर की। सेक्शन 21 में कहा गया है ड्यूटीज ऑफ लाइसेंसेज विद रिगार्ड टू मेजरिंग एंड टेस्टिंग, मतलब जो मेजरिंग एंड टेस्टिंग की जो ड्यूटी होती है वो लाइसेंसीज जिनके पास लाइसेंस है उनकी ये फॉलोइंग ड्यूटी है। हर पर्सन के पास जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग का लाइसेंस है वो फॉलोइंग चीज़ों से बाउंड होएगा, उसके पास मेजर्स वेट्स और इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो एक्साइज कमिश्नर प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनको गुड कंडीशन में रखा जाना चाहिए लाइसेंस्ड प्रीमिसेस के अंदर।
और क्लोज बी कहता है कि एक्साइज ऑफिसर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जब चाहें किसी भी मेजर वे और टेस्ट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की का टेस्ट ले सकते हैं, या फिर वो जो इंटॉक्सिकेंट की क्वालिटी है के भाई वो ठीक मैन्युफैक्चर कर रहा है या नहीं, वो भी वह चेक कर सकते हैं। सेक्शन 22 में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 एंड वुमेन। इसमें ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इसमें लिख रखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट आर्ट्स है जिसके अंदर वो बिजनेस किया गया है इंटॉक्सिकेंट सेलिंग का, उसके अंडर कोई भी 21 ईयर से छोटा मेल या फिर कोई भी वुमेन एम्प्लॉयड नहीं किए जा सकते। सेक्शन 23 के अंडर कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लीकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अंडर द एज ऑफ 21 ईयर। इसमें कहा गया है कि कोई भी 21 ईयर से छोटा है, चाहे वो ये कहे कि मैंने खुद लेनी है ड्रग या फिर मैं किसी और के लिए लेके जा रहा हूँ, चाहे वो खुद वहाँ पे बैठ के जहाँ पे जो बेच रहा है उसकी जो प्रीमिसिस है उसके अंदर बैठ के पीने की बात कहे या फिर यूँ कहे मैं बाहर जाके पी लूँगा, तो ऐसे पर्सन को वे बेच नहीं सकते। सर जो सेक्शन 23 है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू लीकर, अब ये सब सेक्शन 1 में एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। क्लोज ए में कहा गया है कि कोई भी नोटिस सर्कुलर लेबल रैपर, मतलब जो रिटर्न कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसे एडवर्टीजमेंट हो रही है। बी में बात की गई है कोई भी ओरल या फिर लाइट साउंड स्मोक जिसे एडवर्टीजमेंट हो रही है। क्लोज सी में कहा गया है कि कोई भी स्लाइड या फिल्म जो मतलब सिनेमा की स्क्रीन होती है या फिर जो मतलब सिनेमा रेगुलेशन एक्ट है जो छत्तीसगढ़ का 1952 का, और या फिर कोई भी प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो क्लोज सी में आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के अंडर आ रहे हैं। सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसी प्रिंट करता है, पब्लिश करता है और या फिर इस प्रोसेस में हेल्प करता है या फिर पब्लिश करवाता है किसी भी बुक लीफलेट बुकलेट या और किसी भी पब्लिकेशन में या फिर किसी भी डिस्प्ले पे या फिर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर ऐसा कोई कार्य करता है जिसके द्वारा डिस्प्ले हो रहा है वो एडवर्टीजमेंट या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वे एडवर्टीजमेंट में ऐसा दिखा रहे हैं कि इंटॉक्सिकेंट की को कमेंड कर रहे हैं या फिर उसके यूज़ के लिए मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो उनको ऑफेंस के एक वो एक ऑफेंस के अंडर माना जाएगा वो, और इसकी इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड हो सकती है 6 महीने तक या फिर 1-2 हज़ार के फाइन तक या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि सब सेक्शन 2 की कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, कि सब सेक्शन 2 की कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर कोई कैटलॉग या प्राइस लिस्ट है मतलब जिस दुकान पे वो बेच रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो जो मेन्यू की लिस्ट है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं मानी जाएगी, और अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी पब्लिकेशन छत्तीसगढ़ के बाहर पब्लिश और प्रिंट हो रही है वो भी नहीं मानी जाएगी। और जो क्लॉज सी है उसमें कहा गया है कि जो स्टेट अब ये जो एक्ट बना है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का, इससे पहले कि कोई भी एडवर्टीजमेंट है तो वो भी एडवर्टीजमेंट के मतलब इसमें ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। और क्लोज डी में कहा गया है कि अगर कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली मतलब या जनरली भी एग्जेम्प्ट कर देती है कि भाई इसको ऑफेंस नहीं मानना जाएगा, तो वो भी ऑफेंस नहीं मानना जाएगा। अब ये सब सेक्शन 4 में, अब सब सेक्शन 3 के भी एक क्लोज की वो दे रखी है एग्जेम्पशन। इसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा अगर कोई भी पब्लिकेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर हुआ है और वो एल्कोहल या इंटॉक्सिकेंट की सेल को मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो एल्कोहल या इंटॉक्सिकेंट की सेल की तरफ, तो उसको भी वे रोक सकते हैं और 6 महीने तक की जेल और 2,000 रुपये का तक का फाइन या फिर दोनों इन ऑफेंस के अंडर वो पनिश किए जा सकते हैं। सब सेक्शन 5 में कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर या और कोई भी पब्लिकेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से बाहर पब्लिश हुई है और जो एडवर्टीजमेंट कंटेन करती है लीकर को अट्रैक्ट करने की तरफ, लीकर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ये कह सकती है कि इस एडवर्टीजमेंट की हर कॉपी जो किसी न्यूज़पेपर या किसी भी बुक वगैरह में पब्लिश है उसको फॉरफिट किया जा रहा है, गवर्नमेंट उसको फॉरफिट कर रही है और
एक्साइज ऑफिसर और एनी ऑफिसर, मतलब कोई भी ऑफिसर पुलिस का या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और या फिर कोई भी पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस काम के लिए फिट है, उसको वे ये पावर दे सकती हैं कि वो अगर आपको कहीं पर भी वो जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश है उसको वो सीज कर सकती हैं, और अगर और कोई भी कलेक्टर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट या सेकंड क्लास के हों, और अदर ऑफिसर्स ऑथराइज, मतलब जो और कोई ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हों, वारंट के से ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक का हो, कि भाई तुम जाओ और सर्च करो कि भाई ऐसा कोई भी जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी सर्टेन प्रीमिसेस या फिर कहीं पर भी हो तो, और वो मतलब उनको अगर किसी जगह पर शक हो तो वे जाके वहाँ पे पड़ताल भी कर सकते हैं। सेक्शन 24, क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर पब्लिक स्पीच। इसमें सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक नोटिस, रिटर्न नोटिस के द्वारा लाइसेंसी को कह सकते हैं कि भाई ऐसी कोई शॉप जो है जो इंटॉक्सिकेंट बेच रही है वो उसको बंद करवा सकते हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो वे मानते हैं कि पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। जो सेकंड सब सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर कोई राइट या अनलॉफुल असेंबली की अप्रिहेंशन होती है, मतलब उनको भय होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है और वे शॉप के विसिनिटी मतलब आसपास में ही हो, तो मैजिस्ट्रेट किसी भी क्लास का ये कह सकते हैं कि इस शॉप को बंद रखो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए जो वो डिफाइन करें। और ये जो ऐसा जो सी ऐसी जो सिचुएशन इसमें एक आ गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट ऐसा नहीं भी कहता और कोई राइट या अनलॉफुल असेंबली होती है, तो जो शॉप ओनर है उनको खुद ये ड्यूटी है कि वो अपनी शॉप को बंद कर दें। और मैजिस्ट्रेट को ये मैजिस्ट्रेट की यह ड्यूटी है सब सेक्शन 2 के जो है उसके अंडर, कि ऐसा अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो वो जल्द से जल्द जो है वो अपना एक्शन को कलेक्टर को इन्फॉर्म करें अपने एक्शन के बारे में। तो आज हम इतना ही करेंगे, जो बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो इन सेक्शन से रिलेटेड, या फिर आप चाहते हो कि हम आपकी किसी और एक्ट में सहायता कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स या फिर कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स के भी एक्चुअली कुछ सर्टेन पार्ट्स, तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी क्वेरी या फिर जो आपकी मतलब कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।